हेलो दोस्तों, स्वागत है कल की बात आज यानी कि निफ्टी बैंक निफ्टी के एडवांस प्रेडिक्शन में। मार्क कर लो 18,827 और 19,947। ये हमारे इंपॉर्टेंट लक्ष्मण रेखा है। इन्हीं लक्ष्मण रेखा पे नेक्स्ट वीक पूरा का पूरा मार्केट टिका हुआ है। ओपन चैलेंज कर रहा हूं आप लोगों से, प्लीज पेपर पेन लेके लेवल्स को नोट करिएगा। क्या स्ट्रैटेजी होगी कल की हमारे ट्यूजडे की, क्या रणनीति होगी, और आज मंडे है, करीब करीब बढ़ जाए 1:30 बजे मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ। माफी चाहूंगा, मैं एक हफ्ते से वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि सर मैं आउट ऑफ स्टेशन था, यानी कि मैं एक छोटे से अपने मीटिंग्स थी कुछ, मेरी फिर एक ट्रिप था तो उसी में पूरा पूरा इन्वॉल्व हो गया था। तो ट्रिप बोले तो मुंबई गया था सर मैं, और बेलार्ड जो हमारा पोर्ट है तो वहां से हमारी क्रूज था कोस्टा क्रूज, तो उसके माध्यम से 3 दिन का हमारा ट्रिप था तो मैं उसी में चले गया था। और मीटिंग भी थी कह लो, और ट्रिप भी था कह लो, और आप लोगों के लिए 2 अवार्ड भी लेके आया हूँ उस ट्रिप से, उस मीटिंग से। तो थैंक यू सो मच, आपसे वीडियो शेयर कर दूंगा, रील आप फॉलो कर लीजिएगा। चलिए अब सीधे काम की बात। और सिर्फ आपके एजुकेशन पर्पस के लिए मैं चाहता हूं कि मार्केट आपके साथ कबड्डी कबड्डी ना खेले, आप मार्केट के साथ कबड्डी कबड्डी खेलो। आर यू रेडी? चलिए स्टार्ट करते हैं। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बॉस 19,877, 19,770 ये हमारा लक्ष्मण रेखा है। इस जोन में हो सकता है मार्केट यहां पे आए, डेड कट बाउंस लेने की कोशिश करे, बट 827 एंड 770 का लेवल अगर इसके नीचे ब्रेक हो जाता है, 10 मिनट भी यहां पे सस्टेन करेगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट यहां से पैनिक करेगा, यानी कि 19,770 से मार्केट गिरकर 19,647 का पहला टारगेट होगा और 19,570 का दूसरा टारगेट होगा। नो चिंदी गिरी पहला। अब अगर मान लो 770 के नीचे टूटता है, सस्टेन करता है, एंट्री मिलती है, तो हमारा स्टॉप लॉस एक छोटा सा 19,827 आएगा, बात खत्म। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं मार्केट में तेजी की, जो बुल राइडर्स हैं, जो बुल की तरफ भागते हैं, जो चाहते हैं कि मार्केट में तेजी आ रही है, जो एक पर्सनली अटैचमेंट लेके बैठ जाते हैं, तो उनके लिए जो नंबर रहेगा 19,947 का लक्ष्मण रहेगा। जब तक ये लेवल नहीं टूटेगा, नो बाइंग एट ऑल। इसके नीचे आपको ओनली थिंग फॉर द सेल करना है। और अगर आपको याद होगा जो पिछले टाइम मैंने आपको वीडियो बनाया था, क्लियर कट लक्ष्मण बताया था कि 19,947 के ऊपर जब तक नहीं जाएगा, नो बाइंग करना है और गो एंड चेक मार्केट एग्जैक्ट। 2 बार इसने अटेम्प्ट किया, ऑलमोस्ट उसी के पास आके गिरावट आई, फिर दोबारा अटेम्प्ट किया 23 तारीख को, फिर उसी जगह से वापस मार्केट गिरावट आई। तो ये लक्ष्मण रेखा का पावर है। अगर मैं लक्ष्मण रेखा बोल रहा हूं तो सोच समझ के बोल रहा हूं। प्लीज आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर डिस्कस करिएगा और उसके बाद फिर आप ट्रेड करने की कोशिश करिएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। बहुत सिंपल आसान लेवल्स बताता हूं। अब जो राइटर्स हैं उनको भी लेवल समझ में आ गया कि 947 के ऊपर आप राइटिंग कर सकते हो और 770 के नीचे बिंदास राइटिंग कर सकते हो, और थोड़ा सा एज चाहिए 19,647 का नीचे भी आप अपनी स्ट्रैटेजी को बनाकर काम कर सकते हो। अब मैं आता हूं बैंक निफ्टी के लेवल्स की तरफ। चलिए, सो दोस्तों बैंक निफ्टी का लेवल जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर आपको याद होगा 43,856 का इंपॉर्टेंट लेवल मैंने बताया था, 43,856 याद है, 43,856 इसके ऊपर जाएगा बिंदास बाइंग करेंगे, क्योंकि सर मुझे एक हफ्ते हो गए अपलोड नहीं करे हुए, इसलिए मैं आपको परफॉर्मेंस बता रहा हूं। देख लो मेरे दोस्त, पहला टारगेट दिया था 44,256 का याद है, दूसरा टारगेट दिया था 44,456 का। मार्केट ने देखो सर हमारा 856 के बाद में हमारे दोनों टारगेट 256 एंड 456 टारगेट अचीव किया और वहीं से धन 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 करके गिर गया। क्लियर कट बताया था ये एक और लक्ष्मण रेखा 456 का, और उसके बाद रिजल्ट आपके सामने है। और यानी कि टॉप भी बताया और कहां पे ठोकना था, 44,156 के नीचे आएगा तो बिंदास सेल करेंगे, उसके बाद 156 के बाद आप खुद देख लो 43,456 के भी नीचे आ गया है। सो दिस इज ऑलमोस्ट 600-700 पॉइंट्स की गिरावट, यानी कि टॉप मैंने आपको दिखाया 1,000 पॉइंट से ज्यादा की, फिर गिरावट आपको दिखाई मैंने आपको 700 पॉइंट की। तो ये पावर है कल की बात आज का। तो ऑलमोस्ट मैं आपका स्वागत करूंगा सर कल की बात आज एपिसोड नंबर 675 में, यानी कि 675 एपिसोड्स बना चुका हूं, बैक टू बैक डेली बेसिस पर बनाता हूं। अब आप खुद जाने समझे कि इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, ये क्यों पावरफुल है, क्यों आपको देखना चाहिए, क्यों नहीं देखना चाहिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज रोज आप कम से कम मेरे कहने पर 10 दिन इन लेवल्स को नोट डाउन करें और आप मार्केट में देखें समझें,
आपकी जो भी स्ट्रैटेजीज है इसको साथ में लगा के काम करने की कोशिश करें, आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी, कहीं ना कहीं आपका 2 पैसा जो लॉस हो रहा है, निफ्टी बैंक निफ्टी जो सभी खुद बोलती है कि आपका 99% लोग जो लॉस कर रहे हैं वो निफ्टी बैंक निफ्टी से ही लॉस करते हैं, तो यहाँ पे मेरा पर्पस देने का यही है कि आप उन 99% पे मत आना। मैं इतनी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूं, उसके बावजूद भी अगर आप नहीं करोगे तो फिर वो आपका मिस्टेक है, मेरा मिस्टेक नहीं है। चलिए अब समझ लेते हैं स्ट्रैटेजी बैंक निफ्टी में करना क्या है। फिर से नोट कर लीजिएगा, 44,156 जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं सस्टेन करेगी, 10 मिनट नहीं टिकेगी, नो बाइंग एट ऑल। बायर्स नोट कर लो, बाइंग नहीं करना है, फिर प्लीज खुजली आएगी, मार्केट बुलाएगी, नहीं जाना है। मार्केट बुलाती है पर नहीं जाना है। कब जाना है वो लेवल्स मैंने आपको अपडेट कर दिए। बाई चांस 156 के ऊपर सस्टेन करती है तभी हम 10 मिनट के ऊपर बिंदास बाइंग करेंगे। मेरा पहला टारगेट होगा आप लोगों के लिए, आई एम सो सॉरी, मेरा पहला टारगेट होगा सर 156 के ऊपर सीधे 700 पॉइंट का पहला टारगेट, यानी कि 44,856 का पहला टारगेट होगा और 45,156 का दूसरा टारगेट है, यानी कि 1,000 पॉइंट के टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में हम लोग काम करेंगे। बट 156 का लेवल ऊपर ब्रेक करना बहुत जरूरी है, निफ्टी फ्यूचर्स की, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स की मैं बात कर रहा हूं। नाउ 43,456 इज आवर हर्डल। अगर इसके नीचे इस बार 10 मिनट सस्टेन कर गया तो पहला टारगेट 43,156 का रहेगा, दूसरा टारगेट 42,856 का रहेगा, एंड सेट रिलैक्स आपके सामने है 156 एंड 856 का टारगेट रहेगा, दोनों परफेक्ट बुक करेंगे और यहीं से निकल जाएंगे। अब मैं आपको एक लॉजिक आपको देने की कोशिश करता हूँ, जो 675 एपिसोड्स पर है उसका जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आपसे शेयर करता हूँ। मेरे दोस्त अगर मैं टारगेट की बात कर रहा हूँ, स्टॉप लॉस की बात कर रहा हूँ, कुछ भी लेवल देने की बात कर रहा हूँ, यानी कि ये लक्ष्मण रेखा की अगर मैं बात कर रहा हूँ जो मैंने ड्रॉ कर रखे हैं, सर इसके तवज्जो दीजिएगा, इसको इंपॉर्टेंस दीजिएगा। जरूरी नहीं कि मार्केट यहां से गिरे तो पूरा यहां तक सेकंड टारगेट आया, हो सकता है ये यहां से डेडिकेट बाउंस देने की कोशिश करे और फिर इसी को रेजिस्टेंस बना के वापस इस जगह पे आने की कोशिश करे। तो जो ये लाइंस है ना कहीं ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं, जो मैं न्यूमरोलॉजी के मेथड से निकालने की कोशिश करता हूं। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस वो नहीं है जो आप हाई लो पे बनाते हो, न्यूमरोलॉजी 17 साल का एक्सपीरियंस कह लो, प्रैक्टिकलिटी कह लो, कुछ कॉम्बो स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजीज के बेसिस पे कह लो, कुछ फिबोनाची के नंबर पे कह लो, टाइम गोल थ्योरी के बेसिस पे कह लो, तो जो भी मेरा नॉलेज है उन सबके बेसिस पे कह लो, गुरु जी का आशीर्वाद के बेसिस पे कह लो, तो सारी चीज लगा के ही ये लक्ष्मण रेखा निकलती हैं। बस इसको आप एज अ लक्ष्मण रेखा की तरफ सिस्टम पर नोट करके चलो, ये आप अगर फॉलो करोगे मजा आ जाएगा। साथ ही साथ इसके साथ लगा डालो कॉम्बो स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी। क्या है ये? फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, कोई 1 रुपया नहीं देना है। किंग रिसर्च आपको फ्री में देता है लाखों रुपए की स्ट्रैटेजी, टेक्निकल एनालिसिस फ्री में सिखाता है, सिर्फ आपको मेरे साथ अकाउंट ओपन करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अकाउंट ओपन करिए, जुड़ जाइए सैटरडे संडे फ्री लर्निंग सेशंस के अंदर, जहां पे कॉम्बो स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी दूंगा जो निफ्टी बैंक निफ्टी में रामबाण की तरह काम करेगा, आपको हेल्प करेगा मार्केट को समझने के लिए, और उसी हेल्प से आप कल की बात आज आप कॉम्बो स्कैल्पिंग को लगा के अपने दिमाग को लगा के आप एक अच्छा हैंडसम रिटर्न बनाने की कोशिश कर सकते हो मेरे दोस्तों। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच, ये हमारा ओवरऑल लिंक था। अच्छा एक गुड न्यूज है आप लोगों के लिए, चलिए मैं आप लोगों के लिए गुड न्यूज भी बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये गुड न्यूज क्या है मेरे दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं दिल्ली आ रहा हूँ, आई एम कमिंग दिल्ली, और दिल्ली इस बार मिलके बनाना चाहता हूँ, यानी कि आप लोग के साथ मिलकर दिल्ली में सेलिब्रेट करेंगे। एक मेगा इवेंट आप लोग के लिए करना चाह रहा हूँ और उस मेगा इवेंट में सिर्फ मैं नहीं, मेरे से और अच्छे अच्छे मेरे से बढ़िया बढ़िया मैं इन्फ्लुएंसर्स बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ जो मार्केट में आप लोग को गाइड करते रहते हैं, सिखाते रहते हैं, और उनका एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि भैया आपको सही डायरेक्ट अप्रोच क्या होगा। वो इन्फ्लुएंसर्स नहीं आने वाले कि सिर्फ रामबाण ज्ञान पहले कह दिए और चले गए, रियल ट्रेडर्स जो मार्केट में अच्छा काम कर रहा है, अच्छा नाम है, उनको बुलाने वाला हूँ। इन्फ्लुएंसर्स के नाम बहुत ही जल्दी आ जाएंगे आप लोग के लिए, धीरे धीरे मैं रिवील करता रहूंगा एक एक हमारे इन्फ्लुएंसर्स को। तो भैया ये टॉप इन्फ्लुएंसर्स मीटअप एक मैं आपके लिए ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, जहां पे मार्केट मंथन बाय किंग रिसर्च मैंने नाम दिया है, जिसमें कॉर्पोरेट मजदूर से इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनाने की कोशिश करूंगा, फाइनेंशियल नॉलेज देने की कोशिश करूंगा। तो मिस मत करना, रजिस्ट्रेशन बहुत ही जल्दी मैं ओपन कर दूंगा,
कनाट प्लेस में हमारा ये सेशन होगा, जहां पे करीब करीब नहीं नहीं मतलब 700 से 800 लोग आ रहे हैं। 700 से 800 लोग, मैं चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ सीरियस ट्रेडर आए, इसलिए छोटा सा रजिस्ट्रेशन चार्जेस है। ओपन कर देता हूँ, बहुत सारे आते। मैं चाहता हूँ कि सर सीरियस ट्रेडर आए, जो किंग रिसर्च को समझते हैं, जो स्टॉक मार्केट को जेन्युइनली सीखना चाहते हैं और रियल ट्रेडर से कुछ सीखना चाहते हैं। एक कॉन्वर्सेशन होगा, बहुत बढ़िया मंथन होगा, जिस मंथन में 10 से 12 ट्रेडर्स आने वाले हैं, और आप लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो डेट 13 जनवरी नोट कर लेना, कैलेंडर में डाल देना आप ही लोगों के लिए। तो दिल्ली और पूरे इंडिया से जो भी आना चाहते हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं। प्लीज कम एज सुन एज पॉसिबल, अपनी रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा और जगह बुक कर लीजिएगा, मिस मत करना, क्योंकि ये एक मेगा इवेंट है जो अब तक आपको किसी ने नहीं दिया होगा। इसमें मैं ज्ञान नहीं, स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं, पैसे कैसे कमाया जाता है, मैं वो कुछ देने वाला। आर यू रेडी? पर्सनल सीक्रेट सेटअप मैं आपसे शेयर करूंगा, बहुत सारी चीजें हैं, धीरे धीरे मैं रिवील करूंगा। सो जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, क्योंकि मात्र मेरे पास 700-800 मेंबर्स की सीटिंग है, बस इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा, वो भी सीरियस ट्रेडर के लिए। डोंट मिस टू रजिस्टर। थैंक यू सो मच, हैप्पी ट्रेडिंग। अपना ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो, कम एंड ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएंगे।